तो इधर देखो अल्टो तक चढ़ जाती है फॉर जस्ट योर प्रूफ। ये देखो अल्टो, और इसको बोलते हैं भूत नाला। इसको आप जून में क्रॉस करोगे तो गांड तो फटके हाथ में आ जाएगी, क्योंकि ये नाला बहुत डेंजर नाला है, यहाँ से पानी बहुत खतरनाक बहता है। देखा होगा आपने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस पे, तो ये हल्की हल्की सी बर्फ़ यहाँ पड़ी हुई है। 3-4 दिन पहले स्नोफॉल हुआ था यहाँ पर, ऐसे आगे मुझे पता चला, कुछ लोगों ने बोला। तो सच पास आए और बर्फ़ को हाथ ना लगाया ऐसा बन ही नहीं सकता। तो ये है यहाँ की फ्रेश बर्फ। एकदम सॉलिड ठंड है, ऊपर से और बर्फ ले लिया हाथ में तो और ठंड हो गई। पर अपने को कुछ नहीं होता है, अपना स्टील बॉडी है बाबा। आधा मैं ग्लोव्स वगैरह कुछ नहीं डाला है, फिर भी मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप भी मत पहनो ग्लोव्स, आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट। माई बॉडी इज़ लाइक दैट, और सबको पता है कि मेरे हाथ में वो जो मटीरियल रहता है उससे फुंसी हो जाती है, तो इसके लिए आई एम नॉट एबल टू वेयर ग्लोव्स। और एक साइड में पहनूंगा, दूसरी साइड में नहीं पहनूंगा, तो वो राइडिंग में अनकम्फर्टेबल होता है। तो नीचे जो छोटा धाबा दिख रहा है, धाबा धाबा वो है बोगोतू। तो वहाँ अगर आप क्रॉस कर देते हो सच पास, उसके बाद आप सोचते हो कि कुछ रहना वहना मिलेगा कि नहीं, तो ये बोगोतू में आपको मिलेगा रहना पीना। मतलब छोटा टेंट ही है, नॉर्मल ही है, ऐसा नहीं है कि भाई आलीशान रूम और ऐसा तंबू होते हैं टेंट सतरुंडी जैसा, वैसा ही है। अनिल, अनिल भाई, बोगोतू है सच पास के 10 किलोमीटर के बाद ये आखिरी स्टॉप मिलेगा आपको। जो भी चाय नाश्ता करना है कर लो, यहाँ से किलाड़ है 22 किलोमीटर, तो फिर किलाड़ में स्टे मिल जाता है। सो फाइनली आफ्टर बोगोतू यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ रोड, इसको बोलते हैं पांगी वैली। ये बहुत ही स्टीप है ज़्यादा। पांगी वैली इज़ द मोस्ट डेंजरस वैली इन इंडिया, दिस इज़ नोन एज डेडलीस्ट रोड, जहाँ पर अभी अपुन चल रहे हैं। अपुन इन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसस नेम वी प्रे आमेन, थैंक्स फॉर कीपिंग अस सेफ, टेकिंग अस सेफ एंड ब्रिंगिंग अस सेफ, इन जीसस नेम वी प्रे आमेन, हालेलुया। तो यहाँ से किलाड़ लग जाएंगे 2.5-3 घंटा। भाई साहब ये टर्न देखो, ये वाला टर्न, इधर कैसे चढ़ते हो गए सब, खतरनाक टर्न है यार, सीधा नीचे, अरे बाप रे बाप, ये देखो कितना ऊपर है। मेरे भी खींच लेना। ओके ओके, गो देयर गो देयर। Thank you.
देखा कितना स्टीप है, बहुत ही स्टीप है। सोचे पहाड़ों में अपने इत्तू से इंसान है, छोटे से दिखे भी ना, वी आर प्रोटेक्टेड बाय गॉड। कभी भी ऐसे में राइड करो तो नीचे देखने का नहीं, जैसे देखे वैसे चक्कर आ जाएंगे, ऑलवेज फोकस ऑन द रोड्स। डर जाके कैमरे में देख लेने का। वाटरफॉल, क्या बात। रख दी लाहौल नहीं, दिस इज डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट है। नहीं, गिरना मत। नहीं, अरे बाप, पूरा क्रॉस में था स्लोप और टर्न था। भिगना मत। ड्रोन है। अग्निपथ। यो मा बॉय। I'm a boy। बस एक ही दिक्कत ये होता है कि हाइट बाइक का बहुत है ना, तो जब लैंडिंग करना हो पैर का तो कुछ थोड़ी दिक्कत आती है। बाप, स्लिप हो जाऊंगा। ये तो पूरा पत्थर ही है, कोई रास्ता ही नहीं है इधर भाई जी। अरे बाप रे, टफ था बड़ा।
हो सके अकेले मत आना, मैं तो अकेला हूँ, बट आई रिकमेंड नॉट टू कम अलोन। तो ये है छोटा सा पुल, उसके बाजू में और टूटा हुआ पुल है, और ये है चिनाब रिवर, एंड राइट बिसाइड चिनाब हिमालयन एंड मी। तो ये है किलाड़, फाइनली आई हैव रीच्ड किलाड़। तो अभी जाएंगे, ये राज रेस्टोरेंट है इधर, नंबर मेरा फ्रेंड है, उसका फ्रेंड है, उसका ही होटल है ये, तो देखते हैं जाके कैसा है, अच्छा लगा तो रह लेंगे। और यहाँ हुक्का पार्टी, तो हम भी ट्राई करेंगे हुक्का। इनहेल, दिस बिट स्ट्रॉन्ग, तो इसके बाजू में जो पूल है वो कच्चा है, टूट सकता है कभी भी। अरे बाप, सो गाइस फाइनली नाउ आई एम इन किलाड़, पूरा ऐसा है पत्थर वाला। पूरा पेबल्स पेबल्स पेबल्स। पूरा बाइक फ्लोट कर रहा है ये पत्थरों पे, और किलाड़ से थोड़े पहले पाँच सात किलोमीटर पहले, एज यू कैन सी अच्छा रोड स्टार्ट हो गया। अभी बढ़िया मज़ा आएगा। हाई गॉड, थैंक्स गॉड, हालेलुया। दिस इज द प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ, एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम हियर, हिमालयाज, ये देखो, एंड दैट इज चिनाब रिवर, यहाँ से जाती है। ये इस तरह का रूम है यहाँ पर, ये सब पूरा अस्त व्यस्त है अभी मेरा। 5 PM आई केम ओवर हियर, और सच पास मैंने क्लियर किया कुछ 11:15 को, 9 बजे बैरागढ़ से निकला, 11:15 को मैंने सच पास क्लियर किया और यहाँ पर मैं पहुँचा। तो पांगी वैली जो है वो थोड़ा टफ है, इसके लिए मेरे को पहुँचते 4:30 बज गए, बहुत टफ था रोड, एंड एज यू सॉ प्रीवियसली इन माई प्रीवियस वीडियोज, तो उस तरह का कुछ रोड्स था। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब इफ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम।